असम से आपको लेकर चलते हैं। केरला विधानसभा चुनाव में लेफ्ट गठबंधन की जीत के बाद राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। बीजेपी ने आरोप ये लगाया कि त्रिशूर में उसके एक कार्यकर्ता की हत्या लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने की है। बीजेपी इस मुद्दे को अब दिल्ली तक ले आई है। आज हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रपति से शिकायत भी की गई। सवाल है कि आखिर लोकतंत्र में हिंसा को भड़का कौन रहा है? ये एक और चेहरा है जो केरल की सियासी हिंसा की भेंट चढ़ गया। बीजेपी का आरोप है कि प्रमोद नाम के उसके कार्यकर्ता की सीपीएम के लोगों ने त्रिशूर में हत्या कर दी। ऐसी ही राजनीतिक हिंसाओं के खिलाफ बीजेपी ने अब तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। एक ओर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम के दफ्तर का घेराव किया, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति के चौखट तक दस्तक दी। केरल में जिस प्रकार का हिंसाचार अत्याचार का माहौल है, उसको जवाब देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने यह धावा बोला है। हम कम्युनिस्ट पार्टी को इशारा करते हैं, जब तक वो अपना व्यवहार नहीं सुधरेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। केरल की हत्या हम सहने नहीं करेंगे। बीजेपी का डेलीगेशन केरल की राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला तो उन्हें एक एक राजनीतिक हिंसा का ब्यौरा सौंपा गया। प्रकार का रवैया है, तब दुर्भाग्यवश यूपीए और कांग्रेस पार्टी केरल में ये सब देखते हुए भी चुपचाप बैठी है। उनके ऊपर इसकी कोई रिएक्शन नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विचारों की लड़ाई विचारों से होती है, पर विचारों की लड़ाई हाथ में इस प्रकार से कानून हाथ में लेकर और किसी प्रकार के निरपराध कार्यकर्ताओं की हत्याएं करके न कोई पार्टी न कोई विचारधारा बढ़ सकती है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। बीजेपी के मुताबिक 26 से ज्यादा बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं। 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि केरल में राजनीतिक हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी। जिस प्रकार से वहां पर हिंसा का वातावरण उन्होंने बना है, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी हुई है और मैं वो भावनाओं का सम्मान करता हूँ। लेट देम बी वेरी क्लियर दैट द वायलेंस अटैक ओवर द आरएसएस स्वयंसेवक एंड बीजेपी वर्कर्स विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड इफ इट डज नॉट स्टॉप and if proper action is not taken, then we'll fight on the streets inside the parliament and let the CPM know that the BJP is ruling the country. केरल में राजनीतिक हिंसा का आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। केरल के पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला के मुताबिक वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लेफ्ट और बीजेपी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। रमेश ने चुनावी नतीजों के बाद छोटी बड़ी 142 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं होने का दावा किया है और कहा है कि ये CPM की हिंसा और असहिष्णुता की राजनीति का संकेत देती है। बीजेपी सांप्रदायिकता का बीज बोने के बाद हमलों में शामिल होती है। केरल में हिंसा पर लेफ्ट की रटी रटाई दलील है कि हिंसा उसके कार्यकर्ता नहीं करते। केरल में ये चुनाव के परिणाम जिस दिन निकले हैं, उसी दिन से इस तरह की हिंसा और आतंकी राजनीति बीजेपी चला रही है। विक्ट्री प्रोसेशन जो हुआ, हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट जो पिनराई विजयन, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस विक्ट्री प्रोसेशन के ऊपर बॉम्ब फेंके, एक हमारे कॉमरेड की हत्या कर दी, 4 घायल है। और बीजेपी आरएसएस अगर हिंसा के आधार पर जो जनादेश है केरल के अंदर उसको नहीं मानने की कोशिश अगर कर रही है, जनता उसका जवाब देगी। सवाल है कि राजनीतिक हिंसा के आरोपों को सिर्फ पलटवार कर कैसे खारिज किया जा सकता है? केरल का कुन्नूर तो पिछले 4 दशकों से खूनी राजनीति का गवाह है। लेफ्ट के इस गढ़ में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव के बाद वहां हिंसा का दौर शुरू हुआ था। इस बार भी केरल में बीजेपी ने करीब 15% वोट हासिल किए हैं और पहली बार ओ राजगोपाल ने बीजेपी के खाते में केरल विधानसभा की एक सीट डाली है। सवाल है कि क्या केरल में बीजेपी की कामयाबी से लेफ्ट में बौखलाहट है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।